हेलो बच्चों, मैं करणवीर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, ITC एडवांस का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि 2016 में आया था। ये इस कंसेप्ट पर बेस है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर A आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 A 1 0 A स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर A और यहाँ पर 1 दिया, इस प्रकार की मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें A रेज टू पावर N कैलकुलेट करने का जो तरीका है वही आपका क्या है 1 0 0, और यहां पर आ जाएगा एन ए 1 0, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर समेशन एन, और यहां कितना आ जाएगा एन ए, तो यहां आ जाएगा 1। बेटा समेशन एन का मतलब क्या था? समेशन एन का मतलब था 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस, ये क्या होता था बच्चे, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये रिजल्ट है जो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, यहां पर आपको जो जो दिया हुआ है, पी मैट्रिक्स दी हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तीन ऑर्डर की क्यू मैट्रिक्स दे रखी है, सच दैट ये कंडीशन दी हुई है, गिवन है आपको पी रेज टू पावर 50 माइनस क्यू आई इक्वल टू आई, ये दे रखा है आपको। तो इस एलिमेंट की ये जो है ना, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक तो क्यू दे रखा है, गिवन क्या है, क्यू क्यू आई जे मैट्रिक्स है, क्यू आई जे मैट्रिक्स है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q11, Q12, Q13, Q21, Q22, Q23 और Q31, Q32, Q33। ठीक है, इसको इस प्रकार से 3/3 ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की आपकी दी हुई है। ठीक है भाई, अब देखिए और क्या दिया हुआ है, ऑल्सो क्या दिया हुआ है, पी रेज टू पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी दी हुई है 3/3। तो मैं क्यू की जगह इसको लेकर चलूंगा, इतनी बड़ी मैट्रिक्स लेकर नहीं चलूंगा। तो यहां से देखिए, पी मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको, पी मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 0 0 4 1 0, यहां 16, ठीक है भाई, और यहां दे रखा है 4 और यहां दे रखा है 1, इसकी पावर 50 माइनस, इसको लिख लेता हूं क्यू आई जे, ये 3/3 की, तो ये आपकी आइडेंटिटी है 3/3। मैं लास्ट में इनकी वैल्यू लगा लूंगा। ठीक है भाई, तो यहां से इस रिजल्ट से इसका कंपेयर करिए, यहां ए की जगह 4 दिया हुआ है और ए स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, तो यहां से एन की जगह क्या दिया हुआ 50, तो 50 पावर कैलकुलेट करिए, तो कैसे करेंगे, देखिए यहां से 50 पावर कैलकुलेट करने के लिए यहां से आपका आ जाएगा 1 0 0, ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा 50 × 4, और यहां से आएगा 16 समेशन कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्लियर, और यहां से आपका कितना आ जाएगा 50 × 4, यहां 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा। तो बच्चों यहां से क्यू आई जे मैट्रिक्स आ रही है आपकी 3/3 ऑर्डर की, और ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, समेशन 50 को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, समेशन 50 है, समेशन 50 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से समेशन 50 को सॉल्व करोगे तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस 50, तो यहां से कितना है आपका ये 50 × 51/2, इस वाले फॉर्मूले से 50 × 50 + 1, तो यहां देखिए इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 25 × 25 = 2, 25 × 1 = 12, 75 आपका। ठीक है, तो इस रिजल्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा, यहां पर देखिए क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0, यहां 200 मिलेगा, और यहां पर मिलेगा 16 × 1 = 275, और यहां 1 मिलेगा, यहां 200 मिलेगा आपको 0 1, और यहां से QIJ है, एक QIJ है 3/3 ऑर्डर की, और एक इक्वल टू आइडेंटिटी है 3/3 ऑर्डर की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से देखिएगा क्या क्या मिलेगा आपको, यहां से 1 0 0, यहां से 200, और यहां से 2 0 4 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने पहले कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई तुम करोगे यही मिलेगा, तो यहां से देखिएगा 1 0 1। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से माइनस में ये क्या आएगा, Q11 Q12 Q13 Q21 Q22 Q23 Q31 Q32 Q33, और यहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगी। तो यहां से आपको क्या क्या चाहिए, Q31 वाला देखा, Q31 ले रहा, तो यहां से इसमें से इसको घटा के लिखोगे क्या आएगा, 2 0 2 0 4 0 - Q31 = ये कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ये मिलेगा आपका। एक Q32 वाला चाहिए, 200 - Q32 = 0, ठीक है, एक Q21 मिलेगा देखो Q21 ले रहा, और ये क्या कैसे बनेगा, इसमें से इसको घटाइए, 200 - Q21 = 0, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी, Q31 क्या मिलेगा देखना, Q31 क्या मिलेगा आपको, Q31 20400, Q32 200 मिल जाएगा, Q21 भी कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू निकाली, क्या निकाली थी हमने, Q31 - Q32 / Q21, तो यहां से वैल्यू लगाइएगा, Q31 इनको जोड़िएगा कितना आएगा, 20400 + 200 / Q200, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20600 / 200, ये कट जाएगा आपका, कितने कटेगा 103 पर, 103 103,
मुश्किल क्वेश्चन में नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक करें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।